हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज सीएस एस फ्रॉम एलिट प्रोफेशनल एकेडमी। स्वागत है आप सभी का इन आर लेक्चर नंबर थर्टीन ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी बच्चों आज हम एनयूटी का कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सो प्लीज पे हंड्रेड परसेंट कॉन्सेंट्रेशन सबसे पहले वॉट डू यू मीन बाय एनयटी वॉट डू यू मीन बाय एनयटी पहले तो जस्ट मैं पॉइंट्स लिखता हूं देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल वी कैन से द एन्यूटी इज अ कैश फ्लो और पीरियोडिक पेमेंट और रिसीट्स विच शुड बी इक्वल एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन कैश फ्लोज शुड बी सेम दैट इज रेगुलर कैश फ्लो तो बेसिकली हम इस टॉपिक में क्या स्टडी करने जा रहे हैं वो तो बाद में देखेंगे पहले तो सिर्फ एन्यूटी का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं सो द डेफिनेशन या द मीनिंग ऑफ एन टी वी कैन से एन्यूटी मतलब बच्चों द कैश फ्लो और द पीरियोडिक पेमेंट्स और रिसिप्ट विच शुड बी इक्वल मतलब इक्वल कैश फ्लो होनी चाहिए एंड इट शुड बी रेगुलर कैश फ्लो दैट इज टाइम इंटरवल बिटवीन द कैश फ्लोज शुड बी सेम इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते ठीक है से आपके पेरेंट्स ने लोन लिया हुआ है वेन एवर आई एम राइटिंग जीरो इट मीन्स टूडे ठीक है आज के दिन आपके पेरेंट ने से दस लाख रुपए का लोन लिया हुआ है एंड हर मंथ वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे दिस इज मंथली से फॉर एग्जाम्पल इंस्टॉलमेंट हर मंथ टेन थाउजेंड है एवरी मंथली दे आर पेइंग टेन थाउजेंड एज ई एम आई कैन आई कॉल दिस एज एन्यूटी पहले तो आपको क्या देखना है कि कैश फ्लो जो है वो इक्वल होना चाहिए अगर आप देखो तो हर मंथ में द टेन थाउजेंड है वो इक्वल है राइट एंड द सेकेंड थिंग हर कैश फ्लो के बीच जो टाइम गैप है वो एक मंथ का है राइट सो वी कैन कॉल दिस एज एन एन्यूटी आर यू गेटिंग दूसरा एग्जाम्पल से दिस इज अगेन टाइम मैं एल आई सी प्रीमियम पे कर रहा हूं गाइज ओके पिछले एग्जाम्पल में मंथली कैश फ्लो था ना एल आई सी जो प्रीमियम मुझे पे करना है वो सालाना पे करना है हर साल मैं फिफ्टी थाउजेंड एल आई सी प्रीमियम पे कर रहा हूं द अमाउंट इज सेम एवरी ईयर द प्रीमियम इज फिफ्टी थाउजेंड कैन आई कॉल दिस है डेफिनेटली आई कैन कॉल दिस रीजन इज यहां पर टाइम गैप बिटवीन टू कैश फ्लो इज वन एंड वो कॉन्स्टेंट रहन कॉल इट एज एन्यूटी तो जरूरी नहीं है कि कैश फ्लो आपकी एन्य होनी चाहिए या मंथली होनी चाहिए या हो सकता है कि एल आई सी जो प्रीमियम है क्वार्टरली में पे कर रहा हूं एवरी आफ्टर थ्री मंथ मंथ के बाद सिक्स मंथ्स नाइन मंथ्स ट्वेल्व मंथ्स एंड सो ऑन हर क्वार्टरली मेरा फाइव थाउजेंड का प्रीमियम है सो योर कैश फ्लो इज अराइजिंग क्वार्टरली कैन आई कॉल दिस एज एन्य जी हाँ डेफिनेटली वी कैन कॉल इट एज एन्यूटी आपको चेक क्या करना है जो कैश फ्लो है वो सेम होनी चाहिए एवरी पेमेंट और रिसीट दैट शुड बी इक्वल एंड टाइम गैप बिटवीन द टू कैशलोज शुड भी ऑल्सो इक्वल अगर आप फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो तो हर एक कैशलो मंथली फॉर्म में थी दूसरे एग्जाम्पल में हर एक कैशलो फॉर्म में थी राइट right? तीसरे एग्जाम्पल में हर एक कैशलो वॉज क्वार्टरली तो जरूरी नहीं है कि मंथली ही होना चाहिए या एन्युअली ही होना चाहिए सिक्स मंथली हो सकता है क्वार्टरली हो सकता है बट देट शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड आर यू गेटिंग सो ऑल दीज कैशलोज आर एन्यूटी फॉर्म राइट यहां पे हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था एग्जाम्पल uh, में देखा था कि ऑल आर पेमेंट्स तो क्या जरूरी पेमेंट्स होने चाहिए रिसीव्स भी हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल से आपको सैलरी मिल रही है सैलरी हो या पेंशन हो एंड द सैलरी इज मंथली फॉर्म से आपको जो सैलरी है मंथली एक लाख रुपए की सैलरी मिल रही है आपको ओके okay. ज एन्यूटी नाउ दिस इज योर इनकम राइट अब तक ये जो ऊपर के एग्जाम्पल्स थे यहां पर पेमेंट था ना दिस इज योर रिस कैन वी कॉल दिस हेज ऑल्सो एन्यूटी डेफिनेटली वी कैन कॉल दिस हेज एन्यूटी क्योंकि यहां पर भी अगर आप देखो तो कैश फ्लो तो सेम है वन लैख वन लैक वन लैक एंड द टाइम गैप बिटवीन द ऑल द कैश फ्लो इज ऑल्सो यूनिफॉर्म हर मंथली वो कैश फ्लो अराइज हो रहे Right? So basically, this is also an या दूसरा हम कर सकते है, रेंट. रेंट is also monthly form. ठीक है, आपने एक suppose, रेंट पे दिया हो, तो जो आपको मिल रहा है That also will be the या द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल से आपने आज दस लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है ठीक है बैंक में या कहीं पे भी और आपको सिक्स मंथली उसका इंटरेस्ट मिलता है हर सिक्स मंथली इंटरेस्ट जो मिल रहा है से फिफ्टी थाउजेंड आपको इंटरेस्ट मिल रहा है कैन कैन वी वी कॉल कॉल दिस दिस एज एज डेफिनेटली बिकॉज टू चेक द कैश फ्लो शुड बी सेम बराबर एंड द टाइम गैप बिटवीन ऑल कैश फ्लो शुड बी यूनिफॉर्म मतलब हर कैश फ्लो अगर छे मंथ्स के बाद हो रही है तो छे मंथ्स के बाद ही होने चाहिए दिस इज कॉल्ड एज एन्यूटी मतलब every cash flow होनी चाहिए. भले आप पे कर रहे हो आपको रिसीट हो रहा है एंड दैट शुड भी इक्वल कैश फ्लो शुड बी सेम एंड टाइम गैप बिटवीन दिस कैश फ्लो शुड बी ऑल्सो सेम मतलब कैश फ्लो मंथली मंथ मंथ में ही आनी चाहिए इफ इट इज देन एवरी ईयर वाइज द कैशलो शुड बी अराइजिंग राइट सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एन तो मुझे आप बताओ एग्जाम्पल नंबर जो भी हो से आई राइट ओवर ईयर ईयर एंड ईयर कैश ठीक है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव से शुरुआत में आपने कुछ पे नहीं किया एक साल के एंड में आपने पांच हजार पे किया दूसरे साल के एंड में पांच हजार तीसरे के एंड में छ हजार देन अगेन पांच हजार एंड पांच हजार कैन वी कॉल दिस एन टी गाइज इज इट एन्यूटी द आंसर इज इट इज नॉट एन एन्यूटी वाई नॉट एन एन्यूटी क्योंकि यहां पे बीच में छह हजार आ रहा है द कैश लोज आर नॉट यूनिफॉर्म हर एक कैश फ्लो फाइव थाउजेंड ही होनी चाहिए समझ में आ रहा है आपको एक और एग्जांपल सपोज आपने एक साल के एंड में पांच हजार डिपॉजिट किया दूसरे साल के एंड में पांच हजार डिपॉजिट किया तीसरे के एंड में पांच हजार डिपॉजिट किया एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर यू नॉट डिपॉजिटेड एनी अमाउंट एंड फिफ्थ ईयर के एंड में आपने पांच हजार डिपॉजिट किया इज नॉट एन एन्यूटी बराबर ना क्यों नॉट एन एन्यूटी आपको पूरा पांच साल का देखना है पांच साल में वो एन्यूटी होनी चाहिए नियर इवन दो इन एवरी केस द कैशलोज आर सेम ये फोर्थ ईयर में आपने कुछ पे नहीं किया सो इन द फोर्थ ईयर द कैशलो इज चेंजिंग राइट इट इज जीरो नील मतलब क्या जीरो इट इज नॉट एन एन्यूटी राइट एक और लास्ट एग्जाम्पल से एक साल के एंड में आपने दस हज़ार डिपॉजिट किया दूसरे के इन में दस हज़ार डिपॉजिट किया तीसरे के एंड में कुछ डिपॉजिट नहीं किया फोर्थ में कुछ डिपॉजिट नहीं किया फिफ्थ में अगेन दस हज़ार सिक्स में दस हज़ार सेवेंथ में दस हजार एट्थ में कुछ नहीं डिपॉजिट किया नाइन्थ में दस हज़ार कैन वी कॉल एज एन्यूटी ऑब्वियसली सिमिलर एग्जाम्पल दिस इज अगेन नॉट एन लेकिन सपोज यहां पर अगर मैंने दस हजार दस हजार हर एक केस में दस हजार डिपॉजिट किया है ना यू कैन चेक एवरी कैश लो इज सेम दैट इज टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड इट इज ऑकरिंग कंसिस्टेंटली मतलब हर साल के बाद वो कैश लो अराइज हो रहे हैं इन दैट केस इट विल बी एन एन्यूटी सो फर्स्ट थिंगस्टूड द मीनिंग ऑफ एन्यूटी कंसेप्ट एज सच अगर आपको ये कंसेप्ट एन टी का समझ में आया हो देन वी हैव टू सी नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट वॉट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू डील विथ और वी हैव टू सी मतलब प्रॉब्लम्स के नेचर में एक्सप्लेन नहीं करने वाला बट बेसिकली इस एन्यूटिक कंसेप्ट में हम डिस्कस क्या करने वाले दैट वी हैव टू सी और दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ एंड देन वील सी दमुलेज ओके सोफार अब तक हमने क्या देखा था अब तक जो ट्वेल्व लेक्चर्स हुए उसमें हमने क्या देखा था से आज आपने फिफ्टी थाउजेंड रुपीज डिपॉजिट किया ठीक है से बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखा एस में आपने एफ रखा है पचास हजार रुपए एफ रखा है पांच साल के बाद हाउ मच यूल बी रिसीविंग दैट अमाउंट यू आर कैलकुलेटिंग सो फार इस अमाउंट को क्या कह सकते हैं हम फ्यूचर वैल्यू बराबर ना फ्यूचर वैल्यू मतलब क्या फ्यूचर में क्या वैल्यू होनी चाहिए और वी कैन से टुमोरोज वैल्यू ऑफ टूडेज मनी बराबर आज जो आपके पास पचास हजार है जो आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रख रहे हो उसकी वैल्यू पांच साल के बाद कितनी होने होगी दैट इज नथिंग बट फ्यूचर वैल्यूर फॉर आई रिटर्न टुमोरोज वैल्यू टुमॉर मतलब फ्यूचर में वैल्यू जो आज के जो मनी होगी उसकी कैलकुलेट करना एट गिवन रेट तो पांच साल के बाद आपको कितना मिलेगा दोस्तों तो प्लस इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको बराबर एंड दिस इंटरेस्ट वी हैव क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमने सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर एक यूनिट वन डिस्कस किया कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर यूनिट डिस्कस किया यू ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ दैट राइट तो अब तक के प्रॉब्लम में जब हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना देखा है इन दैट केस वी है अभी आई कैन कॉल दिस सिंगल कैश फ्लो आज मैंने एक अमाउंट डिपॉजिट किया कल मुझे उसकी कितनी मिलेगी दैट वी आर कैलकुलेटिंग इन द केस ऑफ सिंगल कैश फ्लो जैसे कि मैंने कहा एनयूटी में तो मल्टीपल कैश लोगी एंड दैट शुड बी इक्वल राइट सो दैट इज़ आपको किस तरह से प्रॉब्लम आएंगे आई स्लाइटली चेंज द डेटा एसबीआई में जो आपने एफडी रखा था उसकी जगह सपोज आपने आरडी रखा है आरडी मतलब मालूम है ना आपको रिकरिंग डिपॉजिट से हर साल पांच साल तक आप आपके रिकरिंग डिपॉजिट में सपोज दस हजार रुपए डिपॉजिट कर रहे हो सालाना दस हजार आप डिपॉजिट कर रहे हो तो पांच साल में आपने पचास हजार डिपॉजिट किया तो पांच साल के बाद मतलब एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर हाउ मच यू आर गोइंग टू रिसीव दिस फ्यूचर वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट एंड दिस फ्यूचर वैल्यू नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इन केस ऑफ एन्यूटी पिछले केस में तो सिंगल कैश फ्लो था तो नॉर्मल कैलकुलेशन था लेकिन यहां पे ये जो 10,000 आपने शुरुआत में डिपॉजिट किया एक साल के एंड में इसके ऊपर आपको कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा चार साल का इंटरेस्ट मिलेगा बराबर क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में आपने डिपॉजिट किया है सो दैट अमाउंट इज रिमेनिंग इन द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर द फोर ईयर्स बराबर ये जो टेन है इसके ऊपर आपको तीन साल का इंटरेस्ट मिलेगा टेन थाउजेंड के ऊपर दो साल का इंटरेस्ट मिलेगा ये टेन थाउजेंड के ऊपर एक साल का एंड ये टेन थाउजेंड तो आप इमीडिएटली विड्रॉ करोगे तो इसके ऊपर जीरो साल का इंटरेस्ट मिलेगा आपको बराबर तो आइदर वी कैन कैलकुलेट सेपरेटली या आपके पास कोई तो शॉर्टकट मेथड होनी चाहिए टू तो कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू बेसिकली हाउ टू कैलकुलेट इज अ डिफरेंट सिनारियो पहले समझो कि हम एक्चुअल में कैलकुलेट क्या करने वाले है? क्या करने वाले हैं आपको दिया रहेगा कि एक एन्यूटी है मतलब दस हजार दस हजार दस हजार एक पीरियडिकली आप पे कर रहे हो या डिपॉजिट कर रहे हो उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होनी चाहिए ठीक है दिस विल बी वन कैटेगरी ऑफ कैलकुलेशन सेकेंड सपोज मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि मेरी एक फाइनेंस कंपनी है आप आज उसमें एक एक्स अमाउंट डिपॉजिट करो आई रिपीट in my finance company you deposit an x amount so that you will be getting 10000 10000 10000 10000 for 5 years so aaj aap kitni amount deposit karoge rate of interest jo hai wo 10% hai how much you should be depositing जो एक साल के बाद दस हजार मिलने वाले उसकी फ्यूचर वैल्यू सॉरी उसकी प्रेजेंट वैल्यू बराबर हियर वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या जो फ्यूचर में आपको मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू क्या है फ्यूचर वैल्यू हमने देखा था व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू टूमारोज वैल्यू ऑफ टूडेज मनी तो प्रेजेंट वैल्यू क्या कह सकते हम टूडेज वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी एट रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आ रहा है बच्चों आपको जो फ्यूचर में आपको ये दस हजार दस हजार मिलने वाले आपको उसकी आज की वैल्यू क्या होनी चाहिए सो दैट यू विल बी गेटिंग दिस टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड इन द फ्यूचर पीरियड यू आर कैलकुलेटिंग दैट यू आर कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू आर यू आर गेटिंग जैसे सिंपल एग्जाम्पल से मुझे अगर रिटायरमेंट के टाइम से मैं आज रिटायर हो रहा हूं एंड मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग ये कि मुझे हर मंथ में फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड मिलना चाहिए फ्यूचर फॉर टेन इयर्स तो मुझे आज कितने डिपॉजिट करने चाहिए वो भी मैं, मुझे कैलकुलेशन आना चाहिए बराबर है ना सो दैट कैलकुलेशन इज बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू तो बेसिकली इस इस चैप्टर में और यूनिट में हम ये हाउ टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी एंड हाउ टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्यूटी समझ में आ रहा है दोस्तों आपको सो बेसिकली इन दिस पार्ट वॉट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर में हम क्या सॉल्व करने वाले हैं क्या स्टडी करने वाले सो इन सिंपल बॉटम लाइन वॉट वी कैन से इज वी आर गोइंग टू स्टडी कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एज अ फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एज अ सेकेंड पार्ट फ्यूचर वैल्यू मतलब क्या आज का जो पैसा है उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी राइट एंड प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या फ्यूचर में जो पैसा आएगा उसकी आज की वर्थ क्या होगी दैट वी हैव टू कैलकुलेट

कि आज हमारी कंपनी में आप दस लाख रुपए इन्वेस्ट करो हर साल आपको एक लाख एक लाख अगले बीस साल तक मिलेगा ठीक है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए दैट आंसर यू विल बी एबल टू आंसर वंस यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट प्रॉपरली एन ठीक है एंड देर आर एन नंबर ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स विच विल डिस्कस लेट ऑन होप सो फर्स्ट ऑफ ऑल टिल दिस यू हैव अंडरस्टूड ओके नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फ्यूचर वैल्यू अगेन फ्यूचर वैल्यू मतलब क्या गाइज वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ टूडेज मनी सिंपल एग्जाम्पल सपोज आज आपने बैंक में एक हजार रुपए डिपॉजिट किया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट है टेन परसेंट तो आपको एक साल के बाद कितना मिलेगा एक साल के बाद इलेवन हंड्रेड मिलेगा ना वन थाउजेंड प्लस टेन परसेंट ऑफ वन थाउजेंड बराबर इस तरह से कैलकुलेट करो या वन थाउजेंड इन टू वन आपका फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला था इंटरेस्ट मतलब मिल रहा है आपको एंड दिस इज फ्यूचर वैल्यू बराबर ये हमने सिंगल कैश फ्लो में डिस्कस किया था ऑलरेडी कैलकुलेशन जो इलेवन हंड्रेड है दैट इज फ्यूचर वैल्यू एक साल के बाद की वैल्यू है ऑफ टूडेज मनी 1000 एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% परसेंट तो बेसिकली एन्यूटी में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं अगेन सपोज एन्यूटी आपको दी गई है दस हजार आप आपके से अकाउंट में सालाना डिपॉजिट कर रहे हो एवरी ईयर यू आर टेन थाउजेंड तो सिक्स ईयर्स के बाद जब आपको अमाउंट पूरी विड्रॉ करनी है तो फ्यूचर वैल्यू क्या रहेगी क्या रहेगी टोटल डिपॉजिट कितना किया आपने? तो पहले तो आपको मिलनी चाहिए. चाहिए. उसके बाद plus interest भी मिलना क्यों? क्योंकि क्यो? हमने सिंगल कैश फ्लो एट वन स्ट्रोक पे नहीं किया है ये जो दस हजार मैंने डिपॉजिट किया है जस्ट विजुअलाइज करो yourself, कि आपने एक साल के बाद दस हजार रुपए विद्रॉ डिपॉजिट किया हुआ है एंड एट द एंड ऑफ सिक्स आप विद्रॉ करने जा रहे हो मतलब उस अकाउंट में ये दस हजार के लिए लिए, थे, 5 साल के लिए? तो ये के तो ये ऊपर साल के लिए मिलेगा, ये जो 10 है वो कितने साल के लिए डिपॉजिट था फोर इयर्स के लिए एंड ऑन so तो बेसिकली आपको ये इंटरेस्ट या टोटल फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है चलिए so basically here we are going to discuss how to calculate the future value in these cases now before proceeding there are two possibilities we have to study in both the case annuity occurring at the end of the year at the end of the year and second possibility annuity occurring at beginning of year kya matlab hai iska annuity occurring at the end of the year matlab say aapko चार साल तक पैसे deposit करने ठीक है दस हजार दस हजार या इंस्टॉलमेंट कह सकते हो आपने लोन लिया है उसका इंस्टॉलमेंट या ई पे करना है चार इंस्टॉलमेंट तो नॉर्मली इंस्टॉलमेंट आप शुरुआत में पे करते हो या एंड में पे करते हो एंड में पे करते हो ना सपोज दस हजार का ई मेरा तो दस हजार मुझे हर एक पीरियड के एंड में पे करना है मतलब ये जो मेरा पहला साल है दिस इज माई फर्स्ट ईयर पहले साल का ई मैं शुरुआत में पे कर रहा हूँ या एंड में पे कर रहा हूँ मैं एंड में पे कर रहा हूँ बराबर ये मेरा दूसरा साल है

वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बिगनिंग में पे करते हो या एंड में पे करते हो मोस्ट ऑफ द केसेस रेंट वी आर पेइंग एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड ओके एक सेकेंड यहां पे भी मैं टेन थाउजेंड ही ले रहा हूं लेकिन जो ये फर्स्ट ईयर है ये पूरा फर्स्ट ईयर है फर्स्ट ईयर का जो रेंट है मैं शुरुआत में पे कर रहा हूं ठीक है देयरफॉर आई हैव रिटन इट एज जीरो जो ईयर का रेंट है वो सेकंड ईयर के बिगनिंग में मैं पे कर रहा हूं सेकेंड ईयर का बिगनिंग मतलब क्या थर्ड ईयर का जो रेंट है वो मैं थर्ड ईयर के बिगिनिंग में पे कर रहा हूं दैट इज एट द एंड ऑफ सेकेंड इयर एंड चौथे साल का जो रेंट है दैट आई एम पेट द एंड ऑफ थर्ड ईयर बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन दिस टू एग्जाम्पल दोनों केस में एन टी है दोनों केस में टेन थाउजेंड है इला पेमेंट है लेकिन फर्स्ट केस में दिस टेन थाउजेंड वॉज अराइजिंग एट द एंड ऑफ इच ईयर And second case may 10,000 is arising at the beginning of each year. Have you understood the difference, guys? Okay. Now, we have to see the calculation of future value. First case, I am considering annuity arising at the end of each year. Okay. Now, सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन व्हाट एल डू आई टेक थ्री इयर्स ओनली पहले तो सिर्फ समझो देन विल राइट अ फॉर्मूला। आई एम डिपॉजिटिंग फाइव थाउजेंड एवरी ईयर एट द एंड ऑफ ईच ईयर तीन साल के लिए मैं डिपॉजिट कर रहा हूं पांच हजार आप ही विजुअलाइज करो सपोज आपने, आपने आर्टिकल स्टार्ट किया हुआ है अभी आपका इनकम अर्न होना शुरू हुआ है पांच हजार के आप सेविंग नहीं कर सकते लेकिन अज्यूम करके चलते कि हर एक पीरियडिकली एट द एंड ऑफ द पीरियड आप पांच हजार आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हो तीन साल तक आपने डिपॉजिट किया एनुअली पांच हजार सेव कर सकते हो वैसे ठीक है तो हर साल आपने फाइव थाउजेंड डिपॉजिट किया एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में अज्यूम करके चल रहा हूं टेन परसेंट सिंपलिसिटी ऑफ कैलकुलेशन के लिए टेन परसेंट ले रहा हूं मैं तो तीन साल के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे तीन साल के बाद ऑब्वियसली आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है पंद्रह हजार तो मिलेगा प्लस इंटरेस्ट मिलेगा तो वन मेथड मुझे बेसिकली यहां पे कैलकुलेट क्या करना है फ्यूचर वैल्यू तो कैलकुलेट करना है ना राइट सो मेथड वन व्हाट आई कैन डू इज आई कैन कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ ईच कैश फ्लो सेपरेटली मतलब अगर मैंने ये सिर्फ पांच हजार रुपए से इन्वेस्ट किए होते एक साल के एंडमेन तीन साल के बाद मुझे मिलने हो तो मुझे ये पांच हजार का फ्यूचर वैल्यू कितना होगा राइट दिस सेकेंड ईयर कैश लोयल कंसिडर एड सेपरेटली एंड दिस थर्ड ईयर कैश लोयल कंसिडर सेपरेटली ठीक है मतलब आई एल अज्यूम इट एज सिंगल कैश लो मैं ये पांच हजार का सेपरेटली कैलकुलेट करूंगा एज अ सिंगल कैश लो दिस सिंगल कैश लो एंड दिस सिंगल कैश लो ठीक है सो इनकेस सिंगल कैश लॉ फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हो प्रिंसिपल इन टू वन प्लस आर बाय हंड्रेड रेस टू टी बराबर ना सो so, अगर मैं यहां पे पर ईयर कैश लॉ एंड फ्यूचर वैल्यू पहले साल के एंड में मैंने जो पांच हजार रुपए डिपोजिट किया हुआ है उसके लिए मुझे कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा इमेजिन करो कि आज आपने अकाउंट खोला है ठीक है एक साल के एंड में आप पांच हजार डिपॉजिट कर रहे हो पूरा जो नेक्स्ट ईयर है आपने अकाउंट में रखा ये उसके बाद एक और साल आपके पैसे अकाउंट में रह रहे थे ठीक है तो एंड एंड एट द ऑफ थर्ड ईयर आपने कर लिया तो आपको ये पांच हजार के ऊपर कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा टू ईयर्स का इंटरेस्ट मिलेगा ना काउंट करो दिस इज वन ईयर एंड दिस इज वन ईयर दो साल का इंटरेस्ट मिलेगा तो दो साल के बाद आप जब विद्रॉ कर रहे हो तो बेसिकली आपकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी 5000 इनटू दिस इज़ प्रिंसिपल 1 प्लस आर आर कितना है 0.10 10 डिवाइडेड uh, बाय 10 100 एंड रेस टू 2 बराबर कैलकुलेट करो मेरे साथ 1 प्लस 0.10 मतलब 1.10 1.10 का स्क्वायर करना है आपको एंड देन सो सिंपली विल बी प्रेसिंग इनटू इज़ इक्वल तू सो आपके कैलकुलेटर पे 1.2 आना रहे इनटू 5000 तो आपको दो साल के बाद ये जो फाइव थाउजेंड है इसका कितना मिलेगा सिक्स जीरो फाइव जीरो यानी कि यहां पे मैं ड्रॉ करके दिखा दूँ आपको आपने जो एक साल के एंड में पांच हजार रुपए जो डिपॉजिट किया था आपको तीसरे एंड में तीसरे ईयर के एंड में कितना मिलेगा सिक्स जीरो फाइव जीरो बराबर चले दूसरा सेकेंड ईयर के एंड में आपने पांच हजार डिपॉजिट किया था तो ऑन दिस फाइव थाउजेंड ये इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं ये जो शेडेड पार्ट है on this for how many years be receiving interest? एक साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा आपका एक साल के लिए तो आपके अकाउंट में वो रह रहा था सो इट विल बी वन पॉइंट टेन रेस टू वन एक साल का तो कैलकुलेट करना है आपको बराबर तो फाइव थाउजेंड इंटू वन पॉइंट टेन सो इटव हाउ मच फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसका मतलब दूसरे साल के एंड में जो आपने पांच हजार रुपए डिपोजिट किया है इसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी है ओके एंड एंड थर्ड ईयर के में आपने डिपॉजिट किया थर्ड ईयर के एंड में आपने डिपॉजिट तो किया इमीडिएटली आप विड्रॉ कर रहे हो तो क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा आपको ऑब्वियसली इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए बराबर ना मतलब जीरो ईयर के लिए इंटरेस्ट मिलेगा सो यू कैन राइट वन

बराबर यानी कि तीन साल तक जब मैंने फाइव थाउजेंड इसको क्या हो गया? तीन साल तक मैंने जो फाइव था एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर जो फ्यूचर वैल्यू है मुझे सिक्सटीन थाउजेंड फाइव फिफ्टी मिलेगी ठीक है तो यहां पे हमने मेथड वन में क्या किया है हर एक सिंगल कैश फ्लो का अलग से अलग से फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट किया है एंड उसके बाद हमने समेशन किया है बराबर लेकिन अगर यहाँ पे 10 10 साल साल के लिए साल के लिए लिए होती होती, तो या 15 15 तो नहीं है, इसलिए हमें एक फॉर्म्यूला चाहिए टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू डायरेक्टली ओके यहां पे आप देख सकते हो फाइव थाउजेंड कॉमन आ सकता है इसलिए हमने हमें एक फॉर्मूला याद रखना है इनकेस ऑफ एन्यूटी Arising at sorry at the beginning not at the end of the year. At the end of year, OF future value is calculated as this will be future value is equal to. एन्यूटी इंटू वन प्लस आर रेस टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर इतना ही है एन्यूटी इंटू वन प्लस आर रेस टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको इंस्टेड ऑफ राइटिंग वन प्लस आई आपके मॉड्यूल में आई लिखा हुआ है वेयर आई इज इक्वल टू आर अपॉन हंड्रेड एंड एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग ओके सो बेसिकली यहां पर अगर मैं सेम फॉर्म्यूला अप्लाई करू वट इज एन्यूटी एन्यूटी है फाइव थाउजेंड ये जो अमाउंट ए लिखा है दट इज नॉट द अमाउंट देट इज एन्यूटी सो पांच हजार की एन्यूटी है देन आई इज इक्वल टू आर बाय हंड्रेड

इंटू वन प्लस पॉइंट टेन रेस टू थ्री अब यहाँ पे थ्री लेना है दो नहीं लेना है तीन एन्यूटी आपकी तो तीनों एन्यूटी की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको डिवाइडेड बाय आई दैट इज पॉइंट टेन सो कैलकुलेट करो अभी आप पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है वन पॉइंट टेन ये वन पॉइंट इसको लिख देता हूं मैं वन पॉइंट टेन रेस वन पॉइंट टेन इन टू इज इक्वल टू यह आपका स्क्वेयर अगेन इज इक्वल टू क्या आपके कैलकुलेटर पे वन पॉइंट थ्री थ्री वन आ रहा है माइनस वन सो इज जीरो पॉइंट थ्री थ्री वन डिवाइडेड बाय पॉइंट टेन तो कैलकुलेट करो सो यू विल बी गेटिंग फाइव थाउजेंड इन टू थ्री पॉइंट थ्री वन

ये मेथड जो वन है हम फॉलो नहीं करेंगे व्हाट विल बी फॉलोइंग इज मेथड टू ओके सो आई गेस यू हैव अंडरस्टूड दिस नाउ दिस वाज़ ऑल अबाउट केस वन जहां पे एन्यूटी एट द एंड ऑफ द ईयर अराइज हो रही थी ठीक है नाउ केस टू एन्यूटी राइजिंग एट बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर एन्यूटी अराइजिंग एट बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर मतलब क्या है यहां पर भी हम तीन साल ही पकड़ के चलेंगे एंड हर साल की एन्यूटी थी फाइव थाउजेंड लेकिन अभी जो एन्यूटी आपको पे करनी है वो शुरुआत में पे करनी है एंड आई टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ओके फर्स्ट टेल मी विल द फ्यूचर वैल्यू विल विल बी डिफरेंट और इट रिमेन सेम पैसे तो आप उतना ही डिपॉजिट कर रहे हो पंद्रह हजार पंद्रह टोटल पंद्रह हजार पांच हजार तीन इंस्टॉलमेंट में कह सकते हैं तो क्या फ्यूचर वैल्यू सेम आएगी या डिफरेंट आएगी ऑब्वियसली आंसर शुड बी डिफरेंट क्यों क्योंकि यहां पे पिछले एग्जाम्पल में पांच हजार जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था या डिपॉजिट था एक साल के एंड में डिपॉजिट किया था अब आप शुरुआत में डिपॉजिट कर रहे हो मतलब इस 5000 के ऊपर आपको कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा पूरे तीन साल का क्योंकि 5000 आपके अकाउंट में पूरे तीन साल तक डिपॉजिट रह रहा है ये जो 5000 थाउजेंड इसके ऊपर दो साल का इंटरेस्ट मिलेगा एंड ये वन ईयर ऑल अंडरस्टूड तो क्या मैं कह सकता हूं एज कंपेयर टू प्रीवियस वर्किंग प्रीवियस में क्या था फर्स्ट थाउजेंड के ऊपर टू ईयर दूसरे में वन ईयर एंड तीसरे में जीरो ईयर था बराबर ना अगर मैं आपको ऊपर ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया था ये देखो यहां पर टू ईयर्स ईयर एंड ये, ये पांच हजार के ऊपर जीरो ईयर बराबर आप यहां पे भी देख सकते हो ये दो ईयर वन ईयर एंड जीरो ईयर एंड जब बिगनिंग में आ रही होगी तो आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है थ्री ईयर टू ईयर एंड वन ईयर तो क्या मैं कह सकता हूँ हर एक कैश फ्लो के ऊपर हर एक का एडिशनल इंटरेस्ट सबको मिलेगा बराबर एंड यू आर रेस टू वन एक साल का इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो सिंपली सपोज टेन थाउजेंड मैंने डिपॉजिट किया एक साल के बाद मुझे कितने मिलेंगे टेन थाउजेंड इंटू वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अज्यूमिंग 10% तो 0.10 रेस टू 1 आएगा बराबर मतलब एक साल का इंटरेस्ट ऐड करने के लिए मैंने क्या लिखा है यहां पे 1 plus r रेस टू 1 दैट इज 1 plus r तो बेसिकली यहां पे जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था सेम होना चाहिए इसमें मुझे एक साल का इंटरेस्ट बढ़ाना है सो हियर द फार्मूला विल बी फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इनटू वन प्लस आर रिस्टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर यहम फॉर्मूला लिखा अब मुझे एक साल का इंटरेस्ट एडिशनल चाहिए तो इसलिए मैंने वन प्लस इन प्रीवियस एग्जांपल जैसे हमने सॉल्व किया था दोनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं अब जो मैंने यहां पे पर लिखा है तो फर्स्ट विल सॉल्व बाय दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेल मी यहां पे फ्यूचर फ्यूचर वैल्यू वैल्यू आपकी प्रीवियस के कंपैरिजन में ज्यादा आएगी या कम आएगी ियसली ज्यादा आनी चाहिए क्योंकि यहां पे आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है थ्री इयर्स क्योंकि आपके पैसे भी ज़्यादा के लिए। मतलब माइनस वन डिवाइडेड लिखा था ना यहाँ पे मॉडिल में आपके आई लिखा है तो इसलिए लिखते हैं। टू वन प्लस आई इज वन पॉइंट टेन कैलकुलेट करो इट विल बी एटीन थाउजेंड टू जीरो फाइव फ्यूचर में आपको एटीन थाउजेंड टू जीरो फाइव मिलेंगे मतलब आपने ये जो पाँच हजार पाँच हजार एंड 5,000 हजार किया हुआ है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर जो आपको मिलने वाला है वो आइए मेथड वन से भी चेक करते ऑन दिस फाइव थाउजेंड आपको इंटरेस्ट कितने साल का मिलेगा थ्री ईयर्स। ऑन दिस फाइव थाउजेंड आपको इंटरेस्ट कितने साल का मिलेगा टू ईयर्स उजेंड आपको इंटरेस्ट कितने साल का मिलेगा वन ईयर ठीक है सो अगेन ईयर एंड फ्यूचर वैल्यूर शुरुआत में ये जीरो के टाइम ही मैंने डिपॉजिट किया फॉर आई एम राइटिंग जीरो ओके सो ईयर इट विल बी फाइव थाउजेंड इन टू वन पॉइंट टेन रेस टू थ्री रेट तो मेरा टेन परसेंट है तीन साल के लिए यहां पे फाइव थाउजेंड इंटू वन पॉइंट टेन रेस टू टू एंड फाइव थाउजेंड इंटू वन पॉइंट इट विल बी वन पॉइंट टेन इंटू इज इक्वल टू ये वक्वेयर अगेन इन सॉरी इज इक्वल टू सो इट विल बी डबल सिक्स डबल फाइव देन पॉइंट टेन दिस विल बी सिक्स जीरो फाइव जीरो एंड दिस विल बी फाइव थाउजेंड टोटल करके देखो सिक्स सिक्स फाइव फाइव प्लस सिक्स जीरो प्लस फाइव थाउजेंड फाइव तक का डिस्कशन का बॉटम लाइन एक मिनट में अगर बताना हो सो द एव ऑफ दी एन मतलब क्या एक कैश फ्लो होती है

तो एक साल का एडिशनल इंटरेस्ट के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय वन प्लस आई ठीक है अदरवाइज दिस सेम तो अब तक के डिस्कशन में सिर्फ दो आपको याद रखना है ऑल दिस बैकग्राउंड वाज जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ओके सो सो फार वी हैव डिस्कस द कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ओके हमने एज अ सी पार्ट स्टडी किया था चलिए एक दो एग्जांपल बताएंगे क्या करो एक दो एग्जाम्पल मुझे बताओ एग्जाम्पल वन रुपीज सेवन हंड्रेड इज डिपॉजिटेड एवरी ईयर फॉर सेवन ईयर्स लिख रहे हो ना आप हाँ, लिखते टाइम क्या करना है आपको समरी अलग से एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू फर्स्ट टू और थ्री पेजेस आपको समरी के लिए रखना है एंड देन यू कैन राइट डाउन द ठीक है एट लास्ट आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू राइट समरी अपने सारे डिस्कशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है आई विल एक्सप्लेन यू सो डोंट वरी अबाउट द समरी एग्जाम्पल लिखो रुपीज सेवन हंड्रेड इज डिपॉजिटेड एवरी ईयर फॉर सेवन ईयरस एट द बिगिनिंग ऑफ इच ईयर नहीं तो जितना मैंने लिखा है आपको पूरा का पूरा एज अ समर ही वो लिखना था तो देन दैट इज ऑल्सो नॉट द प्रॉब्लम हाउ मच विल यू गेट एट द एंड ऑफ सेवन ईयर्स इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टेन परसेंट ठीक है ये एग्जांपल है मतलब एग्जाम में टाइम लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं तो ये सेवन इयर्स हुए सेवन हंड्रेड हम डिपॉजिट कर रहे हैं मतलब एन्यूटी आपकी सेवन हंड्रेड हुई एंड एट द बिगिनिंग आप पे कर रहे हो मतलब सेवन हंड्रेड यहां पे सेवन हंड्रेड सेवन हंड्रेड सेवन हंड्रेड हो गए सात पेमेंट लास्ट ईयर का जो है वो एट द बिगिनिंग ऑफ सेवेंथ ईयर राइट यहां पे फ्यूचर वैल्यू क्या होनी चाहिए आपको कैलकुलेट करना सो बेसिकली ईयर एन्युटी इज सेवन हंड्रेड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टेन परसेंट टाइम या एन इज सेवन ईयर्स फॉर्मुला वॉज इन केस ऑफ बिगिनिंग ऑफ देश हो तो एन्यून प्लस आर या आय को रेस टू एन माइनस वन डिवाइडेड्रेड इंटू वन पॉइंट टेन रेस टू सेवन माइनस वन डिवाइडेड बाय पॉइंट टेन इंटू वन प्लस पॉइंट टेन बराबर तो आप क्या करोगे पहले तो आप न्यूमरेटर कैलकुलेट करो वन पॉइंट टेन रेस टू सेवन कैलकुलेट करना है आपको मेरे साथ इक्वल so टू क्या आपका वन पॉइंट टू वन आ रहा समथिंग उसमें से वन माइनस करो आप बराबर है ना ये वन माइनस कर रहा हूं मैं

सेवन थ्री जीरो फाइव आपको ये कैलकुलेशन हर एक स्टेप लिखने की जरूरत है डायरेक्टली यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट ऑन योर कैलकुलेटर आई रिपीट अगेन पहले आपको क्या करना है सेवन पावर लेना है हाउ विल बी टेकिंग काउंटेड एज अगेन उसके बाद जो आंसर आ रहा है डायरेक्टली वन माइनस करो सो जीरो पॉइंट समथिंग विल बी एडिंग डायरेक्टली डिवाइड बाई जीरो पॉइंट टेन सो ये कैलकुलेशन हुआ देन मल्टीप्लाई बाय दिस वन पॉइंट टेन

at the end of each year for 9 years what is the future value what is future value at the end of 9 year रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव परसेंट ठीक है तो यहां पे अगर आप चाहो तो टाइम लाइन ड्रॉ कर सकते हो ऐसे तो जरूरत नहीं है अभी हर साल के एंड में आप डिपॉजिट कर रहे हो कितने 200। हर साल के एंड में तो बेसिकली यहां पे 200, हंड्रेड लाइक दिस क्लीयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है ठीक है सो हिस्सा इफ यू राइट गिवन इंफॉर्मेशन एन्यूटी कितनी है टू हंड्रेड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव परसेंट नंबर ऑफ इस कंपाउंडिंग कितना है नाइन ईयर सो हिस्सर फ्यूचर वैल्यू विल बी इक्वल टू एन्यूटी इंटू वन प्लस आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर या आई लिख सकते हो यहां पे हम वन प्लस आर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्यों क्योंकि एंड ऑफ दिल बी टू हंड्रेड इन टू वन प्लस डेसिमल में लेना है आपको जीरो पॉइंट वन टू टू फाइव दिस यू रिमेंबर जीरो पॉइंट वन टू टू फाइव रेस टू नाइन माइनस वन डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट वन टू टू फाइव it will be 200 into 1.1225 raise to 9 minus 1 divided by 0.1225 वैसे तो डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो जो आपको करना है अभी आपको क्या करना है कैलकुलेटर पे 1.1225 लेना है इनटू इज इक्वल टू ये वा स्क्वायर अगेन इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 9 क्या आपका 2.82 समथिंग आ रहा है उसमें से ये वन माइनस करना आपको, divided by, uh, denominator है आपको डिवाइडेड बाय डिनोम में पॉइंट वन टू टू फाइव लिखा है हमने सो फोर्टीन पॉइंट नाइन थ्री समथिंग है टू टू हंड्रेड सॉरी ऑल गेटिंग टू नाइन एट सिक्स पॉइंट फाइव नाइन दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एनिटी ठीक है आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच तो अब तक जो हमने कैलकुलेट किया वो था फ्यूचर वैल्यू एंड दिस पॉइंट नंबर सी या बी लिखा था मैंने कहा गया कहा गया आई जस्ट वांट टू समराइज दिस नोट्स प्रॉपरली ताकि इसकी जो प्रिंट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू चलिए पॉइंट नंबर डी

हर साल के एंड में आप दस हजार डिपॉजिट कर रहे हो अब तक जो हमने फ्यूचर वैल्यू देखा था उसमें क्या देखा था कितना हर साल दस हजार रुपए चाहिए तो आज के दिन कितने इन्वेस्ट करने होंगे राइट सो वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वर्थ ऑफ दिस टेन थाउजेंड विच आर अराइजिंग इन फ्यूचर पीरियड समझ में आ रहा है आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन मतलब क्या जो फ्यूचर में मिलने वाला है आपको उसकी आज की वर्थ कैलकुलेट करनी है आपको आई रिपीट जो फ्यूचर में मिलने वाला है उसकी आज की वर्थ कैलकुलेट करनी है सिंपल एग्जांपल यू विल गेट प्रॉपर आइडिया विद एग्जांपल से आज आपने दस हजार रुपए डिपॉजिट किए आपके बैंक अकाउंट में जो आपको 10 परसेंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था ठीक है सो एक साल के बाद आपको कितना मिलेगा दस हजार के ऊपर टेन परसेंट मतलब एक हजार इंटरेस्ट प्लस इन्वेस्टमेंट इलेवन थाउजेंड मिलेगा सो कैन आई से सेवन थाउजेंड फ़्यूचर वैल्यू ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड बराबर ये जो आज की टेन थाउजेंड है उसकी फ्यूचर में वर्थ क्या होगी इलेवन थाउजेंड होगी न से इलेवन थाउजेंड इज फ्यूचर वैल्यू या फ्यूचर वर्थ ऑफ टेन थाउजेंड एग्जैक्टली सेम थिंग आई कैन से इन द रिवर्स मैनर दैट इज थाउजेंड इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इलेवन थाउजेंड मतलब ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इलेवन थाउजेंड मतलब ये जो इलेवन थाउजेंड एक साल के बाद आपको मिलना है दिस इलेवन थाउजेंड विच यू आर रिसीविंग इन फ्यूचर उसकी आज की वैल्यू क्या है आज की वैल्यू है दस हजार ठीक है अब तक के एग्जाम्पल में हमने किस तरह से प्रॉब्लम सोल्व किए थे आज आप डिपॉजिट कर रहे हो दस हजार एक साल के बाद कितने मिलने चाहिए तो वी आर कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू अब आप किस तरह के प्रॉब्लम सोल्व करोगे आपको एक साल के बाद मिलने वाला है इलेवन थाउजेंड आज आपको कितना डिपॉजिट करना है तो इलेवन थाउजेंड की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो है टेन थाउजेंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द कैश फ्लो विच आर अराइजिंग इन फ्यूचर टाइम सो प्रेजेंट वैल्यू मीन्स कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वर्थ और वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी ठीक है सो so, फ्यूचर में जो पैसे मिलने वाला है इन फॉर्म ऑफ एन्यूटी उसकी आज की वैल्यू कैलकुलेट करनी मतलब प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करें। दैट वी कैन कैलकुलेट इन द सिंगल कैश लो ऑल्सो बट हियर आर कंसर्न इज इन केस ऑफ ओनली एन्यूटी ठीक है सो हियर ऑल्सो केस वन Annuity arising at the end of each year. Annuity arising at the end of each year. So here we will continue with the same example. say for example, 10,000 milna So this is annuity. What amount you should invest today As a present value, right? Here also there are multiple methods. usme se ek hi method aapko use करनी hai But then as we are discussing it for the first time, we will solve by all the methods. Okay? And last mein main aapko bataunga ki कौन सी method में use करनी है and which is more simple also. जो आपको future में, intermediate में भी लगने वाला है. Uh, I forgot to tell you, NUT का जो concept है, या पूरा का पूरा time value of money. you are going to repeat all this concept again in the inter and inter both sorry topic say joke is topic karte. there won't be a single problem you will not be able to solve a single problem in the financial management in inter if you are not clear with these concepts okay so basically first of all have you understood what we are calculating we are calculating arch worth or today's worth of all these 10,000, which are arising at future point of time, right so what we can do is जैसे हमने फ्यूचर वैल्यू सेपरेटली सेपरेटली कैलकुलेट किया था उस तरह हम प्रेजेंट वैल्यू भी सेपरेटली सेपरेटली कर सकते हैं ना ये जो दस हजार है इसकी आज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये जो दो साल के बाद है दस हजार उसकी आज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए एंड ये जो दस हजार है उसकी आज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए दैट वी कैन कैलकुलेट सो मेथड वन कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू separately of each annuity. So in that case it will be a single cash flow. now matlab kya hai aapko first first year के end में जो 10,000 है उसकी present value find करनी है. So here future value क्या हुआ? 10,000 प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रिंसिपल मालूम नहीं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हम दस परसेंट अजूम करके चल रहे एंड टाइम इज वन ईयर एक साल का ही तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना सो नाउ इफ आई कंसीडर दिस एज सिंगल कैश सिर्फ मैं ये पार्ट कैलकुलेट कर रहा हूं दोस्तों अरे पार्ट मैं सिर्फ कैलकुलेट कर रहा हूं फिलहाल ये जो दस हजार की मैं सिंगल प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं सो इट विल बी आपको तो फ्यूचर वैल्यू मालूम है फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था प्रिंसिपल इंटू वन प्लस आर हंड्रेड रेस्ट टू टी राइट नाउ अगर मैं ये पूरा पार्ट लेफ्ट हैंड में लेके जाऊं तो वो डिवीजन होगा क्योंकि राइट हैंड साइड में वो मल्टीप्लीकेशन है सो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय फ्यूचर वैल्यू मतलब अमाउंट विल बी पी एंड पी मतलब क्या प्रेजेंट वैल्यू होगा प्रिंसिपल नॉर्मली हम आज ही इन्वेस्ट करते So, अपना फॉर्मूला सिंगल कैश फ्लो केस में एन के केस में नहीं प्रेजेंट वैल्यू क्या हुआ फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय वन प्लस हंड्रेड रेस टू टी आपको कितने मिलने थे दस हजार रेट ऑफ इंटरेस्ट में लिख दू डायरेक्टली वन पॉइंट टेन रेस टू वन तो यहां अ प्रेजेंट वैल्यू जो एक साल के बाद आपको दस हजार मिलना चाहिए था

मतलब एक साल के बाद जो दस हजार मिलने चाहिए उसकी आज की वर्क क्या है नाइन मतलब जीरो के बाद दस तो हजार exactly चाहिए तो आज कितने इन्वेस्ट करने चाहिए आज की वैल्यू क्या है नाइन जीरो नाइन वन नाव यूर टू कैलकुलेट सेपरेटली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस टेन थाउजेंड ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसकी ठीक है so second,

ये जो दस हजार है ये उसकी आज की वैल्यू कितनी है एट टू फोर सिक्स पॉइंट कितना था सॉरी एट टू सिक्स फोर पॉइंट फोर सिक्स बराबर है मतलब दो साल के बाद अगर आपको दस हजार चाहिए तो आज कितने इन्वेस्ट करने है? दो साल के बाद के जो दस हजार है उसकी आज की वैल्यू क्या है दू सिक्स फोर एंड थर्ड

फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू वन प्लस आर रेस टू टी यही फॉर्मूला था ये लेफ्ट हैंड में लेके हमने डिवीजन कर दिया है उसका ठीक है सी हियर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 10,000 थाउजेंड इंटू वन टू थ्री सो 1.10 पॉइंट इज इक्वल टू अगेन इज इक्वल टू एंड देन 10,000 डिवाइडेड बाय वन दैट इज सेवन फाइव वन थ्री पॉइंट वन फोर बराबर इसका मतलब तीसरे साल के एंड में कौन सी यूं यूज करूं भाई है क्या ये जो तीसरा साल है उसके एंड में जो दस हजार मिल रहे उसकी आज की वैल्यू क्या है सेवन फाइव वन थ्री पॉइंट वन फोर तो टोटल कितनी आएगी नाइन जीरो नाइन जीरो पॉइंट नाइन वन प्लस अरे क्या हो रहा है नाइन जीरो नाइन नाइन जीरो नाइन जीरो पॉइंट नाइन वन प्लस एट टू सिक्स फोर पॉइंट फोर सिक्स प्लस सेवन फाइव वन थ्री पॉइंट वन फोर आर यू ऑल गेटिंग ट्वेंटी फोर थाउजेंड 868 बराबर 24868.5 इसका मतलब क्या है बच्चों अगर आज मैंने 24868.5 पैसे डिपॉजिट किए मेरे अकाउंट में तो हर साल में 10000 10000 10000 10 तीन साल में विड्रॉ कर सकता दैट इज 30000 तो ज्यादा मैं कैसे विड्रॉ कर रहा हूँ? बेसिकली मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस वाज मेथड 1 जो हमें फॉलो नहीं करना है गाइस ओके ये मेथड वन है जो हमें फॉलो नहीं करना है क्योंकि यहां पे तो मैंने तीन साल लिया अगर दस साल होते तो क्या दस बार आप कैलकुलेट करते ऑब्वियसली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है नाउ मेथड टू मेथड टू में एक फॉर्मूला है डायरेक्टली विल बी एबल टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू एन्यूटी क्या हो गया एन्यूटी इंटू वन प्लस आई रेस्ट टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आई इंटू ब्रैकेट वन प्लस आई रेस्टू एन ये फॉर्मूला लिख लो आप दिस इज इन केस ऑफ एन टी एट द एंड ऑफ दर ठीक है सो हियर एन्यूटी कितनी थी बच्चों आपकी दस हजार आई कितना था पॉइंट टेन टाइम पीरियड कितना था थ्री इयर्स बराबर आइए चेक करते थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाय पॉइंट टेन इंटू वन पॉइंट टेन रेस टू थ्री आपको करना क्या है गाइस आपके कैलकुलेटर पे एम प्लस एम माइनस फंक्शन आपको मालूम है वेन एवर यू प्रेस एम प्लस आपके कैलकुलेटर के मेमोरी में वो नंबर सेव होता है ठीक है चलिए मेमोरी के बारे में जो मेमोरी सेशन है एम प्लस एम माइनस उसका जो डिस्कशन है वो अगले सेशन में करेंगे ना एट द एंड ऑफ द डिस्कस दिस ऑल थिंग्स ये सिंपली कैलकुलेट करो आप पूरा प्रॉपरली लिख लो एंड देन यू कैन डू द कैलकुलेशन ओके मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूं यहां पर आर यू ऑल गेटिंग ट्वेंटी फोर जो आकर आए सेम जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था अर्लियर कैलकुलेशन में कहाँ गया कहाँ गया ऊपर लिखा था हमने टोटल ये देखो अब यार इसमें कैलकुलेशन में किसको दिक्कत नहीं ना व्हाट यू टू डू आप 1.10 पॉइंट टू 3 कर सकते हो 1.10 पॉइंट टेन इज इक्वल टू स्क्वेयर अगेन इज समथिंग थ्री आएगा आपका माइनस वन करो जो आएगा वो न्यू नुमर, न्यूमरेटर में लिखो डिनोमिनेटर में पहले वन पॉइंट टेन रेस टू थ्री कैलकुलेट करो उसको मल्टीप्लाई वन पॉइंट टेन से एंड देन जो न्यूमरेटर में आ रहा है लेकिन ये भी मेथड हम फॉलो नहीं करने वाले ओके वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिस मेथड बिकॉज लास्ट मेथड जो है

प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्यूटी इन प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर एट आर परसेंट फॉर एन ईयर और सिंपली एन लिखो इसको वट डू यू मीन बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर हाउ टू कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स एवरीथिंग विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन सो नेक्स्ट सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो कैलकुलशन है दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइज

आपको समझ में आया रहेगा इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू रिवाइज अगेन ऑल दिस थिंग्स एंड देन विल कंटिन्यू विद द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कैलकुलेशन ऑफ एन्यूटी विद दिस मेथड एंड देन जो सेकंड पार्ट है दैट इज एन्यूटी अराइजिंग एट द बिगिनिंग उस केस में कैसे कैलकुलेट करना है एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द विद्लम ओके सो फॉर टूडे वी आर कंक्लूडिंग हैव अ वेरी नाइस टाइम गाइज बाय बाय टेक केयर